तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम क्या बोला सुनी? तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम कैसे? Can you explain? तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम कैसे कैसे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। आइए आपको बताता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। छी 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 गाइस। देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, झांसा देने से तो इनका पुराना रिश्ता है, झांसा देने से तो इनका पुराना रिश्ता है। तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम वाह मोदी जी वाह वाह। अब आप बताइए। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम तो भाई फेकू महाराज और झांसा राम भाइयों बहनों, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। मजा आया तो भाई, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और झांसा राम।